Wow, look at this. Ladies and gentlemen, boys and girls, बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी हिंदी व्लॉग में. ये है व्लॉग नंबर 35, आई गेस. धूप इतनी शानदार निकली हुई है और मेरे रूम से ज्यादा पता नहीं चलता कि धूप निकली है कि नहीं निकली, क्योंकि सामने देख सकते हैं वहाँ पीछे वही मेरा रूम है और इस पहाड़ थोड़ा सा अंधेरा रहता है बिकॉज ऑफ लिटिल ट्री विच वी हैव. बट एनीवे, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है मयंक एंड व्हाट यू मेक हियर इज देसी हिंदी डेली व्लॉग्स. राइट नाउ आई लिव इन बॉस्टन यूनाइटेड स्टेट्स. पिछले व्लॉग भी आपको पसंद आएंगे, लास्ट व्लॉग को बहुत अच्छे कमेंट्स आए एंड एवरीवन लव्ड दोस ड्रोन शॉट्स. एक और ड्रोन शॉट है जो मुझे आप लोगों को भी दिखाना है, जो सागर ने लिया था, बहुत ही शानदार है. डाल दूंगा कहीं ना कहीं इसी व्लॉग में, देख लेना. वो वर्टिकल शॉट था, बहुत ही खूबसूरत. Alright, तो अभी का सीन ऐसा है कि सुबह सुबह का टाइम है, so I'm just going for an outdoor run. फटाफट रनिंग करूंगा, अराउंड 1.5 माइल दौड़ना है, तो यहाँ के बस 3-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, स्ट्रेट गोइंग एंड बैक, एंड देन आई विल बी ऑल गुड. ये जो है कर मैं इसलिए रहा हूँ जस्ट फॉर माई हार्ट हेल्थ, और कोई रीजन नहीं है इसका. वेट लूज मेरे को भी करना नहीं है, वेट लूज से तो मैं परेशान हो चुका हूँ. बट एनीवे, अगर आप लोग जो वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल क्या करिए, मॉर्निंग में खाली पेट और विच इज कॉल्ड लाइक स्टारविंग, और यू कैन से द फास्टिंग, द नाइट फास्टिंग वर्कआउट, या फिर नाइट फास्टेड रनिंग, फास्टेड रनिंग बोलते हैं जिसको, क्योंकि रात भर आपने कुछ नहीं खाया, सुबह को दौड़ रहे हैं. इट वर्क्स वेरी वेल. Look at this beautiful park. यहाँ पे 4 बास्केटबॉल कोर्ट है, मेरे को पता ही नहीं था. और हमारे घर के बिल्कुल पीछे ही है एक्चुअली, सामने बिल्डिंग है उस साइड में, क्रॉस करो इधर आ जाओ. बट मैं रोड दौड़ के आया, ऊपर आया स्टेयर से एंड गॉट हियर. बट दिस प्लेस इज रियली गुड. बट यहाँ पे कुछ बच्चों ने ये हरकतें भी कर रखी है, आप देख सकते हैं बास्केटबॉल कोर्ट पे कुछ तो बना दिया है. नो आइडिया व्हाट इट इज रिटन. कई जगह पे बना रखा है तो इसकी काफी ऐसी तैसी भी कर दी गई है. इस पार्क में आने का बेस्ट पार्ट ये है कि मैं यहाँ पे बिना मास्क के दौड़ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं है. एक बंदा, एक बंदी थी बस वहाँ पे, वो अपने डॉग को जो है वॉक करा रही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे. सो इट्स रियली गुड. और फॉल का प्रकोप आप देख सकते हैं कितने ज्यादा पत्ते यहाँ पे गिरे हुए हैं. थोड़े टाइम में क्या होगा कि ये सारे के सारे जितने भी पेड़ है A to Z सारे पत्ते गिर जाने हैं, सिर्फ डंडियां बचेंगी. लुक एट दैट ब्यूटीफुल ट्री. ओह मैन, बहुत ही बढ़िया रनिंग यहाँ पे. और अब यहाँ पे पत्तों का प्रकोप जिनकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी बेरीज भी गिरी हुई हैं. ये वही वाइल्ड बेरीज है जो कि मेरे विंडो से भी दिखती है जो स्ट्रीम. आई थिंक ये सेम ही ट्री है, बट ये बहुत बड़ा हो चुका है उसके कंपेरिजन. दिस इज व्हाट दे आर थ्रोइंग आउट. मैन, दे माइट बी डेडली. नेवर एवर ईट द वाइल्ड बेरीज, दैट्स व्हाट दे से. कभी भी जो है वाइल्ड बेरीज मत खा लेना बेटा धोखे से भी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कौन सी है ये, बट दे लुक वेरी ब्यूटीफुल. और ऊपर कोई पक्षी भी है जो चिल्ला रहा है फॉर द फ्रूट. एंड यस, एक कमाल की बात जो कि मैं बोलना ही भूल गया आप लोगों से, और इस बार मैं फिर से भूल जाऊँ, इसलिए इससे पहले अभी बोल देता हूँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट, क्योंकि हम यहाँ पे डेली अपडेट्स डालते हैं और काइंड ऑफ एंटरटेनिंग, काइंड ऑफ फन, आई डोंट नो, यू विल एंजॉय द व्लॉग्स, दैट्स माय गारंटी. अदर थिंग इज कि डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. समबडी टोल्ड मी, सो यू गॉट टू डू इट मैन, कम ऑन, डू इट, डू इट. पूरा का पूरा भर चुका है फॉल कलर से, नीचे सारे में पत्ते बिछे हुए हैं, पत्ते बिछ चुके हैं. वाव, कॉमेडी हो गई तो. बट एनीवे, देख सकते हो गाड़ियों के ऊपर भी, फ्लोर पे भी, पूरा का पूरा पेड़ नीचे आ चुका है ऑलमोस्ट. और ये वाला भी, दोनों बहुत बड़े पेड़ है. ये जो हाथ धोने वाली क्लिप आपको दिखाई है ना, डेलिबरेटली दिखाई है आपको मैसेज देने के लिए कि प्लीज वॉश योर गॉडडैम हैंड्स. ओह गॉड, यू स्केयर्ड मी मॉरी. ऑलराइट, ओके. Using this mirror? Yes. I just came from a run. Oh, how was it? Where are you heading to? I'll be going to school shortly. Oh, that's good. I have a class. Finally, you're going to school, Mori, huh? Schools are open, seems like. Hey, guys. Wow. I saw the neighbor for the first time. पहली बार अपने पड़ोसियों को, मतलब पड़ोसी को पहले भी देखा था, लेकिन आज पहली बार उनको बाहर बैठा देखा. वरना हमेशा हम ही यूज करते हैं पैटियो. कहने में ये वाला था कि जूते देखे कितने गंदे हुए, थोड़ा सा दौड़ा और जूते इतने गंदे हो गए, बट दैट्स ऑल फाइन. थोड़ी देर में सूख सक जाएंगे, उसके बाद में झाड़ के आई थिंक सही हो जाएंगे. राइट, लेट्स गो ब्रो. अभी डिलीवर हुए, टाइम हो गया डिलीवर हुए. लेट्स गो. क्या मंगाया तूने आज? नाइस. हैंड सोप आया क्या? हैंड सोप खत्म हो गया भाई. काफी डेजर्ट मिल रहा है, हैंड सोप मिल नहीं रहा मेरे को. किचन का वॉश बेसिन उसमें ही नहीं है. ओ, उसमें है क्या? मैं बाथरूम में ढूंढ रहा था, छुपा के इसने किचन में रखा, कैसे पता चलेगा. इंडियन शॉपिंग तो हमने की थी इस वीकेंड पे, लेकिन थोड़ी सी और भी कॉमन शॉपिंग है जो कि हमने नहीं की थी, तो वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया सामान. होल फूड जो कि प्राइम, अमेजोन प्राइम के अंडर में आता है, डिलीवर कर दिया ऑलरेडी, यहाँ फेंक के चले जाते हैं सामान. भाई आज भी फटे हुए हैं सारे, देख रहे हैं, देख, डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड. मतलब बंदा लाता है ना, उससे भी नहीं होता सामान, देख इतना सामान भरा हुआ है उसमें, इसलिए वो फट गया.
हाँ एक्सप्रेस सामान ज्यादा भरते हैं। नहीं ये पैर लगाएगा यहाँ पे पैर लगाएगा। Yes, I guess I did it. क्या ये? कितने किलो टमाटर ऑर्डर किए तूने? 10 पाउंड मतलब 5 किलो। भाई साहब दूसरी बार हो रहा है हमारे साथ ये, गलती से ज्यादा टमाटर ऑर्डर हो गए और ये ज्यादा नहीं बहुत ही ज्यादा है, ये बस कुल 5 किलो टमाटर है। 10 पाउंड ऑर्डर किया तूने? यस 5 किलो, 5 किलो टमाटर बच्चों को गिफ्ट करना पड़ेगा। आज शाम को शिकारी वर्कआउट करना उसको दे देंगे 2 किलो टमाटर। ऐश कर अंडे मंगा लिए क्या? 3 डब्बे। बहुत ही बढ़िया, हाई प्रोटीन डाइट पे। ये लो भाई चिकन पचा दिया फ्रिज में। नेक्स्ट मंथ से रोटी बंद। रोटी बंद? बंद, नो रोटी। वेरी एम्बिशियस प्लान आई वुड से। ओनली चिकन एंड एग्स एंड सब्जियां एंड वेजीज। एंड वेजीज, दैट्स प्रीटी कूल मैन। यार ये सेब का क्या करें, ये लड़की पाई बनाने वाली थी। एप्पल पाई करते हैं कुछ, करते हैं एक्स्ट्रा सेब का भी। एप्पल पिकिंग से जो है ना आई थिंक लाइक इतना नहीं खा सकते, देख पूरा बैग लेके एप्पल पिकिंग जाते और उनको दे देते। ये लो ऐश करो। वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्ट 6 बजे का, 11 मिनट का टाइम हो रहा है और आप देख सकते हैं बाहर एकदम गुप्त अंधेरा हो चुका है। और ये जो हमारी स्ट्रिंग लाइट थी जो हमने पिछली बार लगाई थी, अगर लाइट बंद कर दें तो शायद कुछ दिखाई देगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये तो वही हैना की डेस्क है यहाँ पे, लेकिन एक नया एडिशन भी हुआ एक्चुअली, वो तो मैंने दिखाया ही नहीं, न्यू थिंग विच वी हैव एडेड इन दिस हॉल। तो ये है हमारी नई ट्रेडमिल, वेरी न्यू इक्विपमेंट, वेरी न्यू एडिशन टू आवर होम जिम। अब हमारे पास ये हो गई है और हमने थोड़ा सा इसको भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है कि जिम के पूरे सामान को एक साइड में कर दिया है और नीचे एक मैट लगा दी क्योंकि डंबल गिरते रहते हैं ये वाले स्पेशली, तो काफी ज्यादा स्क्रैचेस लगने का डर रहता है। बट नाउ इट्स ऑल गुड, तो यहाँ पे गिरेंगे कोई दिक्कत नहीं है और इधर बंदे दौड़ भी सकते हैं। और इसको लेने के पीछे ये रीजन था कि थोड़ा सा सागर को पैर में प्रॉब्लम हुई थी बाहर दौड़ने के लिए, एट द सेम टाइम इट्स गोना स्नो, जिससे कि काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी दौड़ने में। Wow, look at that. Very cloudy. ये हमारी खूबसूरत स्ट्रिंग लाइट्स। अगर नहीं देखा अभी तक वो व्लॉग जिसमें हमने इसको इंस्टॉल किया तो देख लीजिए, लिंक नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन। शाम के वक्त का मतलब दो चीजें हैं, एक तो उसमें से ये है कि हमें वर्कआउट करना है जो कि करना है। वैसे मैं सुबह करने की कोशिश करता लेकिन आज मैं सुबह दौड़ने चला गया तो अब शाम को करना पड़ेगी वेट ट्रेनिंग। दूसरी चीज सबसे बढ़िया वो है खाना बनाना। आप लोगों को लगता है कि जिंदगी बहुत आसान है, चीजें आसान है, काफी सारी चीजें हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमने फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही टफ है अफोर्ड करना, जैसे कि देयर कैन बी नो वन हु कैन कम एंड कुक फॉर अस और क्लीन फॉर अस, तो कुकिंग क्लीनिंग सब कुछ खुद करनी पड़ती है। चीज़ों को पैरेलल में करने में भरोसा रखते हैं हम, तो हम पहले काटेंगे प्याज भिंडी सब कुछ काटेंगे और उसके बाद में इसको बनने रखेंगे और जब ये बन रही होगी उसके पैरेलल में डिश वॉशर सेट करेंगे क्योंकि बहुत सारी डिशेज पड़ी हुई हैं और वर्कआउट भी करेंगे। बनाने जा रहे हैं अपनी फेवरेट वेजीज क्योंकि ये भिंडी भी पिछला इंडियन ब्लॉग था, लास्ट ही ब्लॉग था एक्चुअली, उसमें भिंडी शो गए वहीं से लाए थे भिंडी। एग्जॉस्ट फैन ढंग से काम नहीं करता किचन का, जैसे कि समस्या है इस घर के साथ में तो एक ये भी है, इसलिए हमें ये फैन चलाना पड़ता है यहाँ पे। तो एक फैन वहाँ लगा दिया आगे, ये वाला फैन, ये छोटू फैन जो है यहाँ से लेता है सब कुछ और वहाँ काइंड ऑफ, तो हम जिंदा रह पाते हैं यहाँ पे। कुछ ज्यादा हो गया भाई, हो गया। ये एग्जॉस्ट खोल दिया वैसे थोड़ी बहुत देर में सही हो जाएगा, मिर्ची नहीं डालनी चाहिए तेल में, दैट वाज द प्रॉब्लम। मल्टीटास्किंग चालू कर दिया हमने। यहाँ पे जो है भिंडी थी, भिंडी काट पीट के यहाँ पे इसमें लगा दिया, डिशवॉशर का काम अभी स्टार्ट कर दिया है, इसको पूरा फिल कर देंगे इससे। और ये देखिए भिंडी के हमें क्या बना, दिस इज एन इंपोस्टर, भिंडी के बीच में मिर्च। खाना बनाने का प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट, क्योंकि रोटियां बनाई जाएगी। रोटियां तो आपको पता है हम वैसे ही लेके आते हैं जो कि रेडीमेड रोटी है, ऑलमोस्ट उसको गर्म करना रहता है एंड देन हीट इट अप, इट्स ऑल गेट्स रेडी। काफी सारी ब्रांड है, हल्दीराम और पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड की आती है, तो उससे काम चल जाता है। बाकी मैंने कॉफी जो पता नहीं कब से बनने रखी थी और मैं भूल गया काम के बीच में, तो मैं ज्यादा पी लेता हूँ, कॉफी पीऊंगा उसके अंदर वर्कआउट करूँगा एंड आई विल सेट टू ईट भिंडी। तो एनीवे गाइस इस व्लॉग पे खत्म कर सकते हैं, टमाटर थोड़े ज्यादा आ गए थे आज, वो भी मेरे को अभी भी याद आया। अगली बार से फिर मुलाकात होगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो प्लीज, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स, लाइफ फॉर मिनट्स, इट्स माय इंटेंशन, द होल वर्ल्ड आउट।